और अब बात करेंगे विकासनगर की, जहां पर विकासनगर पुलिस अवैध नशा बेचने वालों पर कार्रवाई कर रही है, और इसी क्रम में धर्मबाला पुलिस ने अवैध इसमें किस साध में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वहीं दूसरी ओर डाक पत्थर पुलिस ने 5 ग्राम 50 पॉइंट अवैध स्मैक के साथ में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने बताया कि अवैध नशा तस्करी करने वालों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और कहा कि अवैध नशा पदार्थ तस्करी करने वालों पर अब गैंगस्टर एक्ट भी लगाए जाएंगे। एसपी ने कहा कि अवैध नशे के खिलाफ में अभियान आगे भी जारी रहेगा। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। नशे की बात है तो उसमें तो पुलिस लगातार इसमें कार्रवाई कर रही है। हमारे एसएसपी सर का तो एक कोर एरिया है और इसमें लगातार कार्रवाई हो रही है। आप देखेंगे तो पिछले हर महीने में इसमें मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और हम एनडीपीएस पे बहुत प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी इसमें करा जाएगा। और एनडीपीएस पे तो हम अब गैंगस्टर एक्ट भी लगा रहे हैं, तो उसमें कार्रवाई निरंतर जारी है।